बेसिकली आज हम बात करेंगे अपार्टमेंट्स के ऊपर, लो बजट अपार्टमेंट्स इन ऑल ओवर द लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज किंसा बतूल फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। टाइटेनियम ग्रुप इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच फुलफिल ऑल योर क्यूरीज ऑन ट्रांसपेरेंट बेसिस। डेली बेसिस पे आपको रेजिडेंशियल की भी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की भी जो है वो आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। बेसिकली आज हम बात करेंगे अपार्टमेंट्स के ऊपर, लो बजट अपार्टमेंट्स इन ऑल ओवर द लाहौर। जैसा कि आपको पता है कि वर्टिकल लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, और जिस तरह सोसाइटीज़ जो हैं वो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर जो है वो सोसाइटीज़ बना लेती हैं, जिसकी वजह से इकॉनमी को भी जो है वो काफ़ी नुकसान होता है और हमारे एक्सपोर्ट्स को भी जो है वो इससे काफ़ी नुकसान होता है। इसको गवर्नमेंट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी कर रही है और सपोर्ट भी कर रही है वर्टिकल लिविंग को। ज़्यादा ट्रेंड जो है वर्टिकल लिविंग का, अपार्टमेंट्स का, बिल्डिंग्स का जो है वो पहले कराची में था, फिर जो है ये इस्लामाबाद में आया कैपिटल में। अगर अब हम जो है अपार्टमेंट्स की बात करें लाइक इन सिटी और आउट ऑफ द सिटी, लाइक सिटी से थोड़ा सा दूर जिस तरह बहरिया वाली साइड पे, रायवन रोड वाली साइड पे, और इसी तरह अगर विद इन अ सिटी लाइक गुलबर्ग और DHA वाली साइड पे अपार्टमेंट्स पे जो है वो डिस्कशन करेंगे और उनकी प्राइस रेंज को भी जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहरिया में जो है वो आपको वन बेड अपार्टमेंट बहरिया टाउन लाहौर के अंदर आपको वन बेड अपार्टमेंट जो है वो अच्छी लोकेशन पर 50 लाख से स्टार्ट होकर 65 लाख की जो है वो ब्रैकेट के अंदर मिल जाता है इजीली, जिसमें आपको जो है वो फेसिंग आईफिल भी मिल जाते हैं, फेसिंग आईफिल टावर अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं, सुइट्स भी मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको टू बेड अगर अपार्टमेंट की बात की जाए तो वो 75 लाख से लेकर जो है वो 1 करोड़ तक जाते हैं, जिसमें फेसिंग मॉस्क भी है, ग्रैंड मॉस्क, फेसिंग आईफिल भी आपको मिल जाएंगे। डिपेंड करता है उनकी जो है वो लोकेशन पर और उनकी जो है वो कंस्ट्रक्शन। यही अगर हम DHA की साइड पे आ जाएं तो DHA में आपको अपार्टमेंट जो हैं वो 2 करोड़ से स्टार्ट होते हैं वन बेड अपार्टमेंट, जो कि जाते हैं 3 करोड़ तक। ये मैंने आपको प्राइस रेंज बताई है। बेसिकली DHA में जो है वो घर आपको इससे कहीं ज़्यादा महंगे मिलते हैं, लाइक 7-8 करोड़ के या इससे भी जो है वो ज़्यादा, क्योंकि ये जो है वो मिनिमम रेंज घरों की जो स्टार्ट होती है वो 7-8 करोड़ से जो है वो होती है। बल्कि अब तो कनाल का प्लॉट भी जो है वो इसकी रेंज में जो है वो आ चुका है। अब उस लिविंग स्टैंडर्ड को इन्जॉय करने के लिए और वो जो लोग घर अफोर्ड नहीं करते वो अपने जो है वो अपार्टमेंट्स ले सकते हैं और उस लग्जरी लाइफस्टाइल को जो है वो उधर इन्जॉय कर सकते हैं। उनको एक ही बिल्डिंग में जो है वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो प्रोवाइड होती है, जिसमें इन हाउस कॉफ़ी शॉप्स भी आपको मिल जाती हैं, आपको कैफ़ेज़ मिल जाते हैं, आपको रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, आपको जिम्स मिल जाते हैं, आपकी सारी ज़रूरियात जो है वो एक बिल्डिंग के अंदर पूरी हो रही होती है। इसी के साथ साथ अगर हम गुलबर्ग वाली साइड पे हैं तो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक आपको जो है वो उसमें अपार्टमेंट्स मिलते हैं। उसकी ये वजह है कि उसकी प्राइजेज़ में थोड़ा जो है वो उसकी प्राइजेज रेंज इसकी इतनी है और इनसे ज़्यादा है। इसकी ये वजह है कि वो विद इन द सिटी है और उनकी जो है वो कमर्शियल अप्रोचेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम इस तरह रायवन रोड पर आ जाएँ तो रायवन रोड पर भी जो है वो आपको मिनिमम 35-45 लाख के अंदर अपार्टमेंट मिल जाते हैं अलकबीर टाउन के अंदर। अभी ये जो अपार्टमेंट्स का ट्रेंड है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसमें जो है वो वैल्यूएबल राइज आ रहा है। लोग काफ़ी जो है वो इसकी तरफ जा रहे हैं, लोग अपने लाइक पेंट हाउसेज लेते हैं, टू बेड अपार्टमेंट लेते हैं। कुछ अपार्टमेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और कुछ होते हैं लाइक स्टूडियो वन बेड, जिसमें 2 लोग हैं या अगर कोई एक बंदा भी जो है वो अपने लिए लेना चाह रहा है तो वो उसके लिए लिविंग जो है वो बहुत ईजी हो जाती है। बाकी मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग अपार्टमेंट्स बहरिया टाउन में, DHA में या गुलबर्ग के अंदर, यू कैन कॉन्टैक्ट टाइटेनियम ग्रुप, बिकॉज वी आर डीलिंग 183+ प्रोजेक्ट्स इन ऑल ओवर द पाकिस्तान।